हिंदू धर्मशास्त्र में बताया गया है कि विशेष तिथि और अवसरों पर शुभ अशुभ शक्तियां ब्रह्मांड में सक्रिय हो जाती हैं और इन्हीं को अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ बड़े ही ज्यादा खास उपाय किए जाते हैं। होली का त्यौहार भी इन्हीं में से एक है और कहा जाता है कि होली से पहले या फिर होली के बाद कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो किस्मत निश्चित संवर जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली के दिन कौन से वे दुर्लभ उपाय हैं जिनको करके किस्मत को बलवान आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके खिलाफ कोई टोना टोटका कर रखा है, किसी ने कुछ करा रखा है, क्योंकि काफी लोगों के जीवन में ऐसे दुश्मन होते हैं जो परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ कराते ही रहते हैं, तो उन सब से बचने के लिए आपको करना है कि होली की रात में जहां होली का दहन हो उस जगह पर एक गड्ढा खोदकर उसमें 11 अभिमंत्रित कोड़ियां डाल दें और ढक दें। ऊपर से अगले दिन इन्हीं कोड़ियों को निकालकर अपने घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में आपको बांध देना है। ध्यान रखें दोस्तों, घर की मिट्टी का ही इस्तेमाल करना है। होली का दहन वाले दिन आपको 11 कोड़ियां वहीं दबानी है गड्ढे में जहां पर होली का दहन हुआ है या होने वाला है, और अगले दिन ही यह कोड़ियां निकालनी है नीले कपड़े के साथ, घर की मिट्टी के साथ इन्हें बांध देना है और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, क्योंकि जैसे ही आप प्रवाहित करेंगे ऐसा करने से किसी भी तरह का तंत्र प्रयोग, बुरी नजर या बुरी शक्तियों का प्रयोग अगर आप पर हुआ है तो वह तुरंत ही उतर जाता है। जिन लोगों को डर रहता है कि उनके घर पर या उनके ऊपर या उनके बच्चों के ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, तो उनको होली वाले दिन यह महाप्रयोग जरूर कर लेना चाहिए जिससे बिल्कुल सुरक्षित आप रह सकें। अब इसी तरह से जो लोग अपने जीवन में कर्जे से परेशान हैं, तो आपको करना है कि जिस स्थान पर होली जलनी है उस स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र और 3 कोड़ियां आपको दबा देनी है। इसके बाद मिट्टी में लाल गुलाब, हरा गुलाब मिलाकर उस गड्ढे को भर देना है और उसके ऊपर पीले गुलाल से कर्जदार का नाम लिख देना है, यानी कि जो व्यक्ति कर्जे से परेशान है, अगर आप खुद ही कर रहे हैं तो आप अपना ही नाम उसमें लिख दें। ऐसा करने से कर्ज से निश्चित मुक्ति मिल जाती है और धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई, झगड़े, परेशानी, दुख आदि होता ही रहता है, चिंता बनी रहती है, कोई कार्य बन ही नहीं पाता है, तो आपको दोस्तों करना है कि होली का दहन की थोड़ी सी अग्नि को अपने घर लेकर आ जाना है। लाने के लिए आपको करना है कि होली का दहन जहाँ पे जलती है उसी अग्नि से आपको एक दीपक मिट्टी का जला लेना है, सरसों का तेल उसमें भर कर रखें और उसी अग्नि से उस दीपक को जलाकर उस दीपक को अपने घर ले आएं और अपने घर के अग्नि कोण में उस दिए को आप रख दें। ध्यान रखें कि अग्नि कोण जिन लोगों को नहीं मालूम है उन्हें बता दें, दक्षिण पूर्व दिशा के कोने को अग्नि कोण कहा जाता है, तो इसी कोने में आपको होली का दहन वाली अग्नि जिससे आपने दीपक जलाया था वही दीपक आपको वहां पर रख देना है और ऊपर से अपने उतार कर काली मिर्च को, यानी कि 21 बार आपको अपने ऊपर से काली मिर्च को उतारना है और उस दिए में डाल देना है। ध्यान रखें कि आपको 8 काली मिर्च ही लेनी है और उस दीपक में डाल देनी है। ऐसा करने से घर के गृह कलेश, दुख, परेशानी निश्चित समाप्त हो जाती है और जो बंद सा आपके जीवन में लगा हुआ है वह भी खुल जाता है जिससे किस्मत बलवान हो जाती है। तो यह दोस्तों होली के दिन वाले बड़े ही आसान से प्रयोग और उपाय हैं जिनका करके आप लाभ उठा सकते हैं, और ऐसे ही बड़े ही ज्यादा खास और दुर्लभ प्रयोग पाने के लिए आप स्पिरिचुअल ट्री चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको सबसे पहले मिला करे। अगर आपके जीवन में कोई और समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियो में आपकी समस्या के लिए भी वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक लोग होली के दिन यह महाप्रयोग करके अपने जीवन में दुख को दूर कर सकें और सुख को प्राप्त कर सकें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई खास महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक प्रेम से बोलें, हर हर महादेव।